हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लखनऊ की फेमस लखनवी मटन कोरमा। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो चले शुरू करते हैं बनाना मटन कोरमा। मटन कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम मटन लिए हैं। मटन के पीस इस तरह से हैं, आप चाहे तो आप अपने पसंद के पीस ले लें। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसे गैस पे रख के गर्म कर देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और ये कुछ गरम मसाले हैं। साबुत 1/2 टीस्पून जीरा है, साबुत जीरा, धनिया है 1/2 टीस्पून और ये कुछ दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची जावित्री है। इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो कुछ और गरम मसाला मिलाना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे गोल मिर्च हुआ और आपको जो पसंद है। इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे तवा पे। इसे डाल बस, ज़्यादा इसे नहीं रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करना है ताकि ये मिक्सी कप में पाउडर बन जाए। यहाँ पे हम एक तेज पत्ता भी ऐड करेंगे। तेज पत्ता बाद में डालें ताकि वो जले नहीं, इस तरह से फ्राई कर लें। हमारे साबुत गरम मसाले रोस्ट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मिक्सर में इसे पीसकर पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे हमने अब एक पतीला लिया है, इस तरह से देगची इसे भी बोलते हैं। आप इसी तरह का बर्तन इस्तेमाल करें, मटन अच्छे से पकेंगे। और यहाँ पे हमने 2 प्याज के पतले पतले स्लाइस करके पहले से तल के रखे हुए हैं। और ये जो हम प्याज जिस तेल में तले हैं उसी तेल को अब हम इस हांडी में डाल लिए हैं और इसमें हम 2 चम्मच घी और ऐड करेंगे। आप चाहे तो पूरा घी में बनाएं, हम इसमें तेल और घी मिक्स करके बना रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार सारा आप घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने घी डाले हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हमने कुछ गरम मसाले डाले हैं। साबुत, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग है 2-4 पीस। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने ये 500 ग्राम्स मटन लिए थे ये डालेंगे। सारे मटन को हमने हांडी में डाल दिए हैं, इसे हम फ्राई करेंगे। साथ में 1 चम्मच नमक मिलाएंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें और इसे हम 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमारा ये मटन जब तक फ्राई हो रहा है, हमने जो गरम मसाला रोस्ट करके रखे हैं उसे चले पीस लेते हैं। मटन जब तक फ्राई हो रहे हैं, हमने जो ये गरम मसाले कुछ रोस्ट करके रखे थे इसे पाउडर बना लेते हैं मिक्सी में। हमारा मटन फ्राई हो गए हैं, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हमने ये पहले से 2 बड़े प्याज के स्लाइस काट के रखे हैं, इसमें डालेंगे। इसमें ऐड करें और मटन के साथ प्याज को भी फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट। इसे मिला के 10 मिनट तक आप मटन के साथ इसे पकाएं और ढक्कन लगा कर पकाएं ताकि ये प्याज और मटन अच्छे से गल जाए। मटन और प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक हम अपना अगला नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं 1 कप एक छोटे प्याले से दही और इसमें हम ऐड करेंगे ये हमने जो प्याज के स्लाइस को पतले पतले काट के फ्राई करके रखे हुए हैं, इसमें ऐड करेंगे। ये वाली आप इंग्रेडिएंट्स स्किप ना करें, ये डालेंगे तो कलर बहुत अच्छे होंगे मटर कोरमा का और टेस्ट भी अच्छे होंगे। अब इसमें थोड़े से पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हम
थोड़े से पानी ऐड कर लेते हैं। दही में पानी होते इसलिए कम ही ऐड करें। दही और प्याज के, तले हुए प्याज के हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिए हैं। चले एक और चीज़ हम मिक्सी में पीस लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ बादाम भिगो कर रखे थे और ये चिरौंजी है। आप चाहे तो इसकी जगह काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप पानी में फुला कर रख दें। इसे हम मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़े से पानी ऐड करके इसे पीस लेंगे। थोड़े से पानी ऐड करें, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, और इसका पेस्ट बना लेंगे। हमने ये बादाम के पेस्ट बना लिए इस तरह का। आप काजू इसके जगह काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज हमारा ये भुनकर तैयार हो गया है, गल चुके हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड करेंगे, एक बड़े चम्मच। एक बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड करें। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, हल्दी नहीं ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये मटन का यहाँ पे कम मात्रा है। तीखी लाल मिर्च एक चम्मच, आप अपने टेस्ट के अनुसार मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। ज़ीरा पाउडर एक टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, गोल मिर्च पाउडर एक टी स्पून, एक चम्मच हम धनिया पाउडर मिलाएंगे। एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बढ़िया आएगा। और इसे हम 5 मिनट तक भूनेंगे। मटन और मसाले को 5 मिनट तक आप फ्राई करें। 5 मिनट हो गए हैं, हमारा ये मसाला भूनकर तैयार है। और हाँ, मैं फिर से आपको बीच में एक बार याद दिला देती हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। तो चलिए इसमें जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका जो लखनवी टेस्ट होता है, ये उसका डालने का वक्त आ गया है। मैं आपको बता रही हूँ, लखनवी मटन कोरमा है तो शाही चीज़ तो पड़ेंगे ही, नवाबों वाली। हमने यहाँ पे एक गिलास दूध लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे, दूध ऐड करें और इसे हम मिक्स करके 5 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। ढककर इसमें ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा कर इसे 10 मिनट तक कुक करना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो लो फ्लेम पे बनाएं, टेस्ट बढ़िया होगा। आप ज़रूर से ज़रूर ये हमारा रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये लखनवी का फेमस मटन कोरमा है। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा ये मटन आधे पक चुके हैं, हमने चेक कर लिए हैं। अब इसमें हम फ्राई और दही जो मिक्स करके पेस्ट बनाए थे, फ्राई प्याज और दही, उसे डालेंगे। आप ये साथ में नहीं डालें, नए लोग करते हैं ये ये गलती कर देते हैं कि साथ में ही दही और प्याज वाले मिश्रण को डाल देते हैं, जिससे मटन को पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप पहले मटन को हाफ कुक कर लें, उसके बाद ये दही और प्याज वाले पेस्ट को डाल दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसे ढककर 10 मिनट तक कुक करेंगे। साथ में हमने जो रोस्ट करके गरम मसाला पाउडर बनाए थे उसे ऐड करें, इसे भी डाल दें साथ में, इससे खुशबू अच्छी आएगी। और हमने ये कुछ हल्के सुसुम पानी में केसर को भिगो कर रखे थे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं, इसीलिए डाल दें। और इसे हम कवर करके ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक कुक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा ये मटन लगभग पककर तैयार है। अब इसमें हम लास्ट ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाए थे, बादाम और चिरौंजी का, आप चाहे तो काजू, जो भी आपको पसंद है, काजू या बादाम का पेस्ट,
इसमें हम मिलाएंगे। इसे आप मिक्स कर ले, काजू और पेस्ट मिलाने के बाद आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो आपके मसाले चिपकने लगेंगे। बीच बीच में आप चलाते रहें इसे, नहीं तो आपके मसाले। और ख़ास टिप्स मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ लोग मटन और दही को साथ में पकने के लिए रख देते हैं, आप ऐसा ना करें। पहले हाफ मटन को कुक होने दें, उसके बाद आप दही डालें तो आपके मटन जल्दी पक जाएंगे। और जो लोग अगर कुकर में बना रहे हैं तो उनको तो कोई खैर दिक्कत नहीं है, साथ में डाल दें। साथ में हम ये हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर है इसे डालेंगे। ये तो मटन कोरमा का मेन इंग्रेडिएंट्स है, आप ज़रूर डालें। अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर दें, लेकिन ये इससे खुशबू आती है मटन कोरमे की। हमारा ये शाही मटन कोरमा पककर रेडी हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हमने गैस का फ्लेम बंद करके यहाँ रख दिए हम इसे गार्निश करने के लिए। अब इसे हम थोड़े से धनिया पत्तों से गार्निश करेंगे। चले आप लोग भी जाएं लखनवी डिश बनावे, घर बैठे बैठे लखनवी नवाबों वाली डिश खाएं मटन कोरमा, और कमेंट्स में लिखकर बताएं कैसा लगा ये हमारा रेसिपी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।